निर्दलीय सांसद और विधायक हनुमान चालीसा मुख्यमंत्री के घर के सामने पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पाते जेल जाते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री निर्दलीय सांसद के समर्थन में हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाते हैं। इसके बाद मुंबई में एनसीपी के स्थानीय नेता फहमीदा हसन भी अब सीएम नहीं सीधे पीएम के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती है। हनुमान चालीसा पढ़ने किस राजनीति में सार्वजनिक जीवन में ताकतवर पदों पर रहने वाले क्या अपनी जिम्मेदारी पढ़ना भूल गए? महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा क्या बेहद जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए? सवाल की वजह है हनुमान चालीसा विवाद में फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में होने के कारण जेल में बंद चल रहे इस जोड़े की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में दी गई एक याचिका। वो याचिका क्या थी ये बताएं उससे पहले हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनना बहुत जरूरी है। जस्टिस पीबी वराले और एसएम मोदक की तरफ से कहा गया, सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्तियों से जिम्मेदारी भरे व्यवहार की ही अपेक्षा की जाती है। आखिर बड़ी ताकत के साथ ही और बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जिसके लिए जो लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, उनसे जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा करना कोई अतिरिक्त नहीं बल्कि साधारण बात है। तो क्या महाराष्ट्र में जो हंगामा शनिवार से लेकर अब तक हनुमान चालीसा विवाद में जारी है, उसमें सांसद नवनीत राणा और उनके पति ने सार्वजनिक जीवन में होने के बावजूद गैर जिम्मेदारी भरा व्यवहार किया? न्यायालय को ये बताना पड़ रहा है और न्यायालय ने जो कहा है कि ग्रेट व्हेन यू हैव ग्रेट पावर्स यू हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, ऐसा न्यायालय को कहना पड़ा है। यानी हम जो सामान्य आदमी समझ सकते हैं वो लगता है जो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे जो लोग हैं वो समझ नहीं रहे, इसके लिए न्यायालय को आज ये कहना पड़ा। दरअसल नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ राजद्रोह की धारा 124A और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है, जबकि 24 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 353A यानी सरकारी काम में बाधा के तहत एक और केस दर्ज किया। इसी दूसरी एफआईआर को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट सांसद विधायक पति पत्नी गए, जहां अदालत ने अर्जी खारिज कर दी। हिंदुत्व सोडलं शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं म्हणजे नेमकं काय सोडलं? हिंदुत्व म्हणजे काय धोतर आहे का हो? हे घातलं नेसलं आणि सोडलं हे असे नाही आहे। एक मुद्दा मी मुद्दामहून सांगेन की जे आता आम्हाला हिंदुत्व शिकवत आहेत त्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे काय तुम्ही हिंदुत्वासाठी केलेलं आहे। ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली होती तेव्हा सुद्धा तुम्ही बिळामध्ये लपला होतात। राम मंदिर बांधण्याचा सुद्धा निर्णय हा तुमच्या सरकारने घेतलेला नाही, तो कोर्टाने दिलेला आहे। आणि बांधताना सुद्धा तुम्ही लोकांसमोर झोळ्या पसरवलेले आहेत, मग तुमचं हिंदुत्व आहे कुठे? आणि शिवसेना प्रमुखाने जे आम्हाला हिंदुत्व शिकवलेलं आहे ते हेच हिंदुत्व आहे। नौबत यहां तक क्यूआई से नोट करिए। नवनीत राणा और उनके पति ने शनिवार 9 बजे उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था। शुक्रवार को ही पति पत्नी मुंबई पहुंच गए थे। शिव सैनिक शुक्रवार से ही राणा दंपति के घर के बाहर मोर्चाबंदी करके बैठ गए थे। सरकारी वकील का दावा है कि पुलिस ने उन्हें एडवांस नोटिस देकर रुकने के लिए कहा था। सरकारी वकील के मुताबिक रुकने की जगह राणा दंपति उकसाने वाले इंटरव्यू देते रहे। शनिवार को शिव सैनिकों ने नवनीत राणा और रवि राणा के घर के बाहर खूब हंगामा किया। गिरफ्तारी के बाद जब बीजेपी नेता किरीट सोमैया मिलने जेल पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर दावा है शिवसैनिकों ने हमला किया। सरकारी वकील की दलील है कि सांसद और विधायक के कारण ही पूरी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती भरी स्थिति पैदा हुई। ध्यान रहे कि ये सब कुछ मुंबई में तब हुआ जब रविवार को मुंबई में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे। ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रह चुके हैं, उनकी लीडरशिप में आप लोगों ने भी चुनाव जीते हैं, वो अगर महाराष्ट्र विजिट करते हैं और उस समय पे एक ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सामना घटना होती है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए हानिकारक हो सकती है, क्या उनको ये कबूल है? हनुमान जी के नाम पर राजनीति का ये वो लंका कांड महाराष्ट्र में चल रहा है, जहां अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में नवनीत राणा रवि राणा पद मुताबिक
जिम्मेदारी ना निभाने के कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं, तो राणा परिवार को सरेआम मंच से गाली देने वाले उद्धव ठाकरे के मंत्री भी हैं, जो पद की गरिमा को बहुत नीचे गिरा दे रहे हैं। भाई मुझे पता नहीं कि ये लोगों का मकसद क्या है, क्या संबंध है। हमने बोल दिया कि हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मानीय उद्धव जी ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हम मातोश्री में जाके पढ़ाएंगे। अरे क्या जाता है, तू बोल लगाए, अगर तेरे को बोलना है तो जहाँ बोलना है तू बोल, तेरे को जहाँ पढ़ना है पढ़, नहीं नहीं उद्धव जी ठाकरे बोलना चाहिए। नौकर है क्या ऐसे ऐसे नारा एक इस हिंदुस्तान में पढ़ा, हनुमान चालीसा पढ़ना ही चाहिए, नहीं तो हम मातोश्री में जाके पढ़ाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आदमी को शक्ति मिलती है, मानसिक कमजोरी से मुक्ति मिलती है। लेकिन महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा की राजनीति में शक्तिधारी पदों पर बैठे जन प्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में बेहद कमजोर रोल अदा किया है। विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।